आज की कहानी है द फॉक्स एंड द स्टॉक, एक लोमड़ी और एक सारस की कहानी। जानते हैं ये कहानी? देयर वाज अ सेल्फिश फॉक्स, एक स्वार्थी लोमड़ी था। वन डे ही प्लान्ड ए डिनर एंड इनवाइटेड हिज फ्रेंड स्टॉक। एक दिन उसने प्लान किया खाने के लिए और अपने दोस्त सारस को बुलाया। द स्टॉक फ्लू टू फॉक्स हाउस एंड नॉक द डोर। सारस आके लोमड़ी के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाई। द फॉक्स ओपन द डोर। लोमड़ी ने दरवाजा खोला। आस्क्ड हर टू सिट। उसने बोला बैठो। एंड सर्व्ड सूप इन शैलो बाउल। उसने सूप एक थाली में, दो थाली में दोनों के लिए सूप परोसा। द फॉक्स लिक्ड अप ऑल हिज सूप क्विकली। लोमड़ी ने सारा सूप जल्दी जल्दी पी लिया। बट स्टॉक वॉज अनेबल टू। लेकिन सारस वो सूप नहीं पी पा रही थी। आज द बाउल वॉज टू मच शैलो फॉर हर बिग। जो जिस थाली में सूप परोसा गया था वो एक थाली था। तो क्या हुआ, तो चोंच जो था ना सारस का, वो अंदर तक जा ही नहीं पा रहा था, तो सारस सूप नहीं पी पा रही थी। द फॉक्स आस्क्ड हर। उसके बाद लोमड़ी ने पूछा, व्हाई डिडंट यू टेक द सूप। तुमने सूप क्यों नहीं पिया। डिडंट यू लाइक इट। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। द काइंड स्टॉक रिप्लाइड। उसके बाद दयालु सारस ने उसने बोली, माई डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। धन्यवाद, तुमने मुझे खाने पे बुलाया। प्लीज ज्वाइन मी टुमारो फॉर डिनर। प्लीज मुझे मेरे साथ आके कल तुम मेरे घर आना, हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। द नेक्स्ट डे द फॉक्स रीच टू स्टॉक होम। उसके नेक्स्ट डे लोमड़ी जाके सारस के घर पहुंच गया। द स्टॉक सर्व्ड सूप इन टॉल जग्स। उसके बाद सारस ने क्या किया, दो बड़े बड़े बर्तन में जग में सूप परोसा। एट दिस टाइम स्टॉक ड्रैंक ऑल सूप। इस टाइम क्या हुआ, जो सारस थी उसने सारा सूप पी ली। बट फॉक्स कुडंट रीच इनसाइड द जग। उसी वक्त लोमड़ी का जो मुंह था वो जग के अंदर जा ही नहीं पा रहा था, तो वो सूप को पी ही नहीं पा रहा था। The fox was remain hungry in the same way the stork was earlier. लोमड़ी भूखा रह गया जैसे कि पहले सारस भूखी थी जब वो लोमड़ी के घर गई थी। The fox understood his mistake. तभी लोमड़ी ने अपना गलती समझा। Said sorry to stork. उसके बाद उसने सारस से सॉरी बोला। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? Moral of the story is A selfish work sooner later backfire on you. अगर हम एक स्वार्थ को लेके काम करेंगे वो जल्दी या कुछ समय के बाद वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगा। And selfishness is bad. हमें कभी भी स्वार्थ पर होना नहीं चाहिए। हमें अपनी फायदे के लिए कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। तो मिलती हूँ और एक कहानी को लेके। तो ये कहानी अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब 10 लाइन स्टोरी चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।